उस पर्टिकुलर कंटेंट से बाहर जो मैं आपको कोई आएगा या तो टॉपिक कवर ही नहीं होगा या उस पे कोई सवाल आया तो और बहुत ही हाईली क्यूरेटेड फॉर्म में आपके पास ये वाले करंट अफेयर आते हैं वीक के अंदर वी सिलेक्ट टॉप थ्री करंट अफेयर जिसके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि इसके ऊपर जो है यूपीएससी के अंदर सवाल बन सकता है और हर हफ्ते तीन वीडियोस इसके अलावा फ यू विश टू कवर करंट अफेयर होलिस्टिकली इन द सेंस कि आपका मेन्स भी प्रिपेयर हो जाए आपका इंटरव्यू भी साथ साथ में प्रिपेयर होता रहे यू नो एवरीथिंग सो देर इज इज कोर्स विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन वो आपको यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है बट ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको दोनों में आपको मिल जाएगा अभी अभी पी डी आई के पोर्टल के ऊपर अभी मैं आई एस के पोर्टल के ऊपर जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हो लिंक इज डाउन देर इन द डिस्क्रिप्शन एंड आई विल टेल यू अबाउट दैट इन ब्रीफ की वो उसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है एंड द एंड ऑफ द वीडियो अभी हम चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे आज is, uh, uh, का हमारा टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक्स का टॉपिक इसको हम कह सकते हैं बेसिकली दिस इज ये एक फंड है जिसको स्वामी फंड कहा जाता है फॉर द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड ठीक है तो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड ये है बेसिकली क्या है कि जो इंडिया की सरकार है दैट इज सोशलिस्ट इन नेचर राइट तो उसको लोगों का भला करना है एंड उसका एक जो पैमाना है जो एक आयाम है दैट इज कि आपको अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी है हाउसिंग फॉर ऑल राइट सो उसके लिए देर आर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो कि हाउसिंग फॉर ऑल अफोर्डेबल हाउसिंग की कैटेगरी के अंदर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं इफ दो खत्म हो गए दे आर अंडर स्ट्रेस एंड नियर कंप्लीशन कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे 1500 घर है वो बन के ऑलमोस्ट तैयार हैं लेकिन लास्ट में लास लास कुछ काम रहता है अब डेवलपर के पास फंड्स खत्म हो गए तो यहां पे एक फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है लास्ट रिजॉर्ट जो उनका लास्ट रिजॉर्ट है बैंक वैंक कहीं लोन नहीं मिल रहा कुछ नहीं हो रहा है तो इस इस फंड के थ्रू उन प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीट किया जा सकता है राइट तो ये इसका हमारा मेन मुद्दा है आज का कि स्वामी फंड करता क्या है तो अगेन ये एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप मेरे साथ साथ इसको जब मैं पढ़ूंगा तो आप साथ साथ इसको रजिस्टर करते रहिए अपने दिमाग में और अगर नोट्स बना रहे हैं तो बुलेट पॉइंट्स आप साथ साथ इसको जो है बना सकते हैं चलिए द स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड ये कॉन्टेक्ट है इसका कि इट हैज रेज रुपीज फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्टी करोड़ सो फार नॉट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फार टू प्रोवाइड प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग ठीक है क्या कर रहा है ये प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ स्ट्रेस्ड ब्राउनफील्ड एंड रेरा रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ठीक है जी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है इसके अंदर अगेन अब देखो या, इतनी सी इंफॉर्मेशन के अंदर बहुत कुछ घुमाया जा सकता है कि रेरा रजिस्टर को हटा देंगे या फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल कर देंगे राइट right? दो ये कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए है दैट फॉल इन दी एफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग कैटेगरी ठीक है एक चीज जो हमने यहाँ पे ध्यान दिखा, रखनी है कि देर इज uh, एक अलग मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन एलिशनर डेफिनेबल हाउसिंग किसको बोलते हैं मिड इनकम हाउसिंग है, housing, है MIG, MIG के घर बोलते हैं एम आई जी एल आई जी है ना इस टाइप की कैटेगरी की जो डेफिनेशन है वो आपको इस मिनिस्ट्री से मिलती है लेकिन क्योंकि ये एक प्रायोरिटी डेट फाइनेंसिंग फंड है दिस फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो हमें बहुत केयरफुली वहां पे क्वेश्चन चेक करना होगा कि ये एग्जैक्टली exactly पूछ क्या रहा है है ना कि फंड की कस्टडी पूछ रहा है राइट right? या फिर ये पूछ रहा है कि डेफिनेशन किसने दी है है ना चलिए इसके अंदर दो तीन इंफॉर्मेशन है आई होप कि वो आपको क्लियर हो गई है आगे चलते हैं थोड़ा और डिटेल में आपको ये देखने को मिलेगा ये आगे भी स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड इज अ सोशल इंपैक्ट फंड ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि सोशलिस्ट कंट्री है और अफोर्डेबल हाउसिंग एक एजेंडा है है ना हाउसिंग फॉर ऑल हमारा गोल है टारगेट है

फाइनेंस कस्टडी में है ये उनके कहने पे चलेगा ये द फंड कंसीडर्स फर्स्ट टाइम डेवलपर्स अब फंड दिया किसको जाएगा है ना किसी को कंसिडर किया जाएगा या किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया जाएगा रिजेक्शन या फिर सिलेक्शन के लिए ठीक है फर्स्ट टाइम डेवलपर्स एस्टेब्लिश डेवलपर्स विद ट्रबल्ड प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स विद अ पुअर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ स्टॉल प्रोजेक्ट्स कस्टमर कंप्लेंट्स एंड एनपीए अकाउंट्स एंड इवन प्रोजेक्ट्स वेयर देर आर लिटिगेशन इश्यूज़ है ना तो ये सब उनके फैक्टर में आएगा कि इनको फंड देना है या नहीं बेसिकली मतलब अगर इन सब चीजों के बाद में किसी की रेपुटेशन जो है है ना आ, वो अप टू पार ना नहीं होएगी तो ये फंड उनको नहीं दिया जाएगा बेसिकली ये वो वाले फैक्टर्स को कंसिडर करने की बात कर रहे हैं इट इज कंसिडर दैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स अब ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट अगर आपको प्री में देखने को मिल गई तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी है ना एंड दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इट इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फॉर डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट चलिए आगे चलते हैं की परफॉर्मेंस सो फार इस प्रोजेक्ट ने इस फंड ने किया क्या है इट हैज प्रोवाइडेड फाइनेंशियल अप्रूवल टू अबाउट 130 थर्टी प्रोजेक्ट विद सैक्शन वर्थ ओवर ट्वेल्व थाउजेंड करोड हैज कंप्लीटेड मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड होम्स एंड एम्स टू कंप्लीट ओवर एन थाउजेंड होम इन द नेक्स्ट थ्री ईयर अक्रॉस थर्टी

ये समर्थन में आती है कि ये फंड सही क्यों है हम क्यों ऐसी दे रहे हैं? तो है, साथ में भी है. आपको याद करने की जरूरत नहीं है हाउ अगर आप मेन्स में इसको क्रिएटिव आंसर राइटिंग में या कहीं पर एज अ फैक्ट घुसाना चाहो है ना या फिर आप कहीं इसको इस तरीके से लिखना चाह रहे हो कि आपके किसी व्यू पॉइंट को समर्थन मिले साथ में उसके साथ में उसमें एडिशन हो तो आप इस टाइप के फैक्ट्स को जो डायरेक्टली जो है आप यूज कर सकते हो थोड़ा सा पॉजिटिव इंपैक्ट उसमें पड़ता है एंड यू में स्कोर लिटिल मोर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एन इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन कौन एलिजिबल है इसमें द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मस्ट मस्ट बी मस्ट बी रेरा रजिस्टर्ड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट रेरा रजिस्टर्ड

कैटेगरी, एनी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स वेयर इन द हाउसिंग यूनिट्स डू नॉट एक्सीड स्क्वायर मीटर ये उसका क्राइटेरिया है स्वामी फंडिंग कहने का मतलब जो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते जनरली नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप की सिनेरियो में रहते हैं नेटवर्थ पॉजिटिव प्रोजेक्ट्स का मतलब है कि दे और दे माइट जनरेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट है ना

आई विल मार्केट ऑन तो आप अगर नोट करना चाहो तो बस मेन मेन चीजें नोट करना आपको इतना सब कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है बेनिफिशरी फैमिली किसको कंपराइज करती है हजबैंड वाइफ एंड अनमेरिड चिल्ड्रेन तो जहां जहाँ पे वो है कि यूपीएससी जहाँ पे थोड़ा सा घुमा सकते हैं आपको वो सब बता देता हूँ यहाँ पे एन अडल्ट अर्निंग मेम्बर इर रिस्पेक्टिव ऑफ मेरिटल स्टेटस कैन बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट हाउस होल्ड प्रोवाइडेड दैट ही शी डज नॉट है पक्का हाउस इन हीज और हर नेम इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है ये उसने बेसिक एलिजिबिलिटी बता दी <coughs> कि अगर आपके बच्चे भी आए गए तो आपके नाम पे ये जो है वो नहीं आपको अफोर्डेबल हाउसिंग जो है नहीं मिलेगी है ना अगर बच्चे कुवा रहे हैं तो ठीक है लेकिन अगर बच्चे आपके आ, कमा रहे हैं तो वो अपने आप को एक सेपरेट हाउस होल्ड जो है चाहे मैरिड है अनमेरिड है वो बता सकते हैं अगर बच्चों की शादी होगी तो आप एलिजिबिलिटी से अफोर्डेबल हाउसिंग की बाहर हो इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्वामी फंड ये मैं आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में बता रहा हूं क्लासिफिकेशन ऑफ एम आई जी एम आई जी वन हाउसिंग जो होती है उनकी एनुअल इनकम होती है सिक्स से ट्वेल्व लैक्स है ना हाउस होल्ड की और एम आई जी टू हाउस होल्ड जो होते हैं उनकी एनुअल इनकम होती है ट्वेल्व से एटीन लैख लिमिट है ठीक है एम आई जी वन एंड वी अ लोन अप टू नाइन लैक्स एम आई जी वन वालों को नौ लाख का लोन मिल सकता है विद एन इंटरेस्ट सब्सिडी एट फोर परसेंट पर एन एम और जो एम आई है दे विल गेट ट्वेल्व लैक का लोन विद्री परसेंट इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर लोन अप अप टेन्योर टू ट्वेंटी और लॉन्ग टर्म लोन इसके एम आई जी वन वालों को यू गेट नाइन लैक्स का अप टू नाइन लैक्स का लोन और चार परसेंट की सब्सिडी और एम आई जी टू वालों को बारह लाख ,00 का लोन विद्री परसेंट सब्सिडी ठीक है इट अगेन मी रिमाइंड यू इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्वामी फंड ये मैं आपको अफोर्डेबल हाउसिंग के कैटेगरी uh, को बता रहा हूं और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट uh, है दैट इज दिस वन डिसबर्सिंग एजेंसीज लास्ट में ये वाला कि अफोर्डेबल हाउसिंग के जो इंडिविजुअल्स को जो लोन जाते हैं वो प्रोजेक्ट स्वामी फंड के थ्रू प्रोजेक्ट्स को जाएगा जो बिल्डर्स हैं उनको जाएगा ये अफोर्डेबल uh, हाउसिंग के अंडर जो लोन्स आपको मिलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू वो किसके थ्रू डिस्बर्स होते हैं द हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन हडको एंड नेशनल हाउसिंग बैंक हैज बिन आइडेंटिफाइड एज सेंट्रल नोडल एजेंसीज

ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्मेट दोनों में ठीक है तो ईज ऑफ एक्सेस अगर आप कहीं बाहर से एक्सेस कर रहे तब भी आप आप इसको जो है लगा सकते सकते हो पे भी इंटरेक्शन कर हो टीचर के साथ कॉन्स्टेंट टच में रहते हो उस क्लास के अंदर थ्री लेग्ड स्ट्रेटेजी थ्री प्रॉन्ड स्ट्रेटेजी नंबर वन यू गेट अ क्लास आपको हफ्ते में दो क्लासेस मिलती हैं जिसके अंदर जो प्रीवियस वीक के करंट अफेयर हैं हम उनको क्लास में डिटेल में कवर करते हैं और साथ में उसके जो पेरीफरी की चीजें होती हैं उनको भी स्टेटिक वालों को भी थोड़ा 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 कवर करते हैं कि मेन्स के आंसर आपके और ज्यादा प्रिसाइज और और ज्यादा अच्छे कैसे बने और ऐसे टॉपिक्स जो सिर्फ और सिर्फ आपके इसके अंदर हाईलाइट होते हैं आ, सिर्फ मेंस के अंदर जो हाईलाइट होते हैं करंट अफेयर्स के उनको भी हम वहां पे जो है डिस्कस करते हैं सेकंड यू गेट वीकली पीडीएफ्स ये जो है आपको आपके पोर्टल पे मिल जाते हैं वीकली पीडीएफ वीकली तो पीडीएफ के अंदर आपको पिछले हफ्ते का जितना भी करंट अफेयर होता है वो बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म के अंदर आपको वहां पे मिल जाते हैं प्लस उसके अंदर जो स्टैटिक रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है प्रिसाइज फॉर्म में वो भी आपको उसके अंदर मिल जाती है और हर हफ्ते के आपको एक कुछ पेजों की पी मिलती है बहुत ही शॉर्ट में उसके थ्रू आपका सारा जो है कवर हो जाते हैं एंड इस पी के अंदर यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोर्सेज मैगजीन्स और वेरियस न्यूज़पेपर सबका मिला के उसके अंदर आपको जो है देखने को मिलता है तो बेसिकली इस पीडीएफ के थ्रू आपको सब कुछ ही कवर हो जाता है और हफ्ते में एक पीडीएफ है और इन दोनों चीजों को पक्का करने के लिए वेरीफाई करने के लिए वेरीडेट करने के लिए वी हैव वीकली एज वेल राइट तो इन चीज़ों के बाद में यू कैन बी एश्योर्ड यू कैन बी श्योर अबाउट इट कि आपका करंट अफेयर जो है वो कवर हो गया है सो इन एडिशन टू दैट क्योंकि अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं लेट मी टेल यू यू दैट गेट अ डेज फ्री ट्रायल एज वेल इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट आप सात दिन तक इसको जो है एक्सेस कर सकते हो लिंक इज डाउन देर यू कैन चेक इट आउट क्लास में आओ एक एक दो क्लासेस लगाओ आप आप देखिए अगर आपको क्वालिटी अच्छी लग रही है तो डिसाइड फॉर योर आज के टॉपिक में uh, बस इतना ही है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्जा दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट एंड दिस इज अभिमन्यू वाई